राजेंद्र जी ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि पिछली बार शायद 15 अगस्त को या माता जी के जन्म के टाइम पे वो लड्डू जो बांटे गए थे, आपने किससे हुक्म लिया था कि 5 साल के बच्चे को प्रसाद नहीं देना, ताकि सेवा वालों को ही देना है? किसने बोला था? यहां से हमने बोला था सारी साध संगत ने प्रसाद लेना है। जो इतने खाली चले गए प्रसाद से, आपकी गलती क्या उनको प्रसाद दिला देगी? बैठे बैठे हुक्म पास करते रहते हो और फिर आके साध संगत से माफी नहीं लेते। आपने माफी मांगी? आपसे गलती हो गई, माफी लोगे तो खुशियां कई गुना है। क्यों आपने बैठे बैठे पास कर दिया कि बच्चों को प्रसाद नहीं देना जी, क्यों? और भाई जितने भी लांगरी जो भी सेवादार हैं, अपने पास से मसले ना बनाया करो। आप जो भी हैं, आप भी सुन ले, आपने तो नहीं किया, इसने किया, क्यों किया? वो हमने उस दिन बोला भी था, दानी दान करे भंडारी दा टिड पाटे, थोड़े एवं टिड पाटते रहते। हम तो कहते हैं जो गोद में बच्चा नहीं, जो माँ के गर्भ में बच्चा, उसका प्रसाद भी माँ को देना होता है, और आपने हुक्म कर दिया जी 5 साल के बच्चे को नहीं देना। ये सच्चा सौदा है, सीधा साधा आके साध संगत से माफी लो तो खुशियां खुशियां हैं। सेवा करने वाला होगी माफी? अब तो सारी साध संगत बैठी है, मालिक माफ करेंगे, नारा लगा दो जोर से बस। पर आइंदा ऐसा नहीं करना चाहिए। कितने जीव यहां से रोते हुए गए, हमें उनकी पर्चियां आई कि पिताजी ये आपने कब से कहा था स्टेज से कि 5 साल के बच्चे को प्रसाद नहीं देना? तो पता करवाया तो आपका पता चला, सभी ने बताया कि उन्होंने कहा है, तो कहां आपको फल शाम को ही आ जाना चाहिए था। ये तो सच्चा सौदा है, जब तक माफी नहीं तो रगड़ा, माफी ले ली तो कोई नहीं झगड़ा, बस सीधी सी बात है। तो आपकी मर्जी, चाहे ले लो रगड़ा या मुका दो झगड़ा। हाँ, आगे से सारे सेवादार ख्याल रखा करो, ना किसी को गलत बोलो ना कड़वा बोलो। ड्यूटी निभानी है, हाथ जोड़ के भी निभाई जा सकती कि भाई जी इधर नहीं जाना, हाथ मजबूत है, बोलना मीठा, बात ही खत्म। सो प्यार से बोला करो और सही चला करो, कोई बात नहीं, माफक कर्म पर ऐसे करना नहीं चाहिए जी, कोई बात नहीं। सो प्रसाद ले लेना है, और आज भी सारी साध संगत ने ही प्रसाद लेना है, और किसी माँ के गर्भ में बच्चा है तो उसने डबल लेना है, 5 साल के बच्चे की तो बात छोड़ो। ये यहां असूल है सच्चे सौदे में कि वो उसको भी पूरा मानते हैं कि वो भी इंसान है, माँ के माँ खाएगी तो उसके अंदर भी जाएगा। तो ये नए नए असूल पे पास ना किया करो भाई, जिम्मेवार भी ख्याल रखा करो, और यहां बोलते रहा करो जो भंगीदास होते, प्रसाद दिया जा रहा है कि सबने लेना है, माँ के गर्भ में बच्चा उसने डबल लेना है, बोलते रहा करो यहां, ताकि उनको गलती का मौका ही ना मिले जी। बेचारे सेवा तो दिन रात करते हैं ये लांगरी, पर बाई चांस हो जाता है, कई बार मन चढ़ जाता है ऊपर कि लड्डू कम ना पड़ जाए, मेन डर यही रहता है इनको, यहाँ कोई कम को मन नहीं पड़ता, मस्ताना जी महाराज के वचन है, यहाँ तो वो सब देने वाला है, अपने आप ही पैदा कर लेगा। अंगहीन व शहीद सैनिकों के परिवारों की सहायता के लिए भलाई फंड में पैसे जमा करवा रहे हैं जी, और इसकी जिम्मेवार मीटिंग करें, जो फिजिकली टीमें जाएंगी वो टीमें बनाई जाएं, सारे जिम्मेवार इकट्ठे बैठ के, तो उसको आप जाके सारे 25 मेंबर, जितने भी 25 मेंबर बहने भाई हैं, उनको बैठ के मीटिंग लें, और कैसे जाना है, कहाँ जाना है, साथ संगत भी बताएगी, तो वहां जाके उन फौजी परिवारों की सुध लें। ये सिर्फ कागजों में नहीं अपना चलता, अपना तो करना होता है, करके दिखाना है, कहनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, ये जरूर ख्याल रखना है जी। ठीक है, तो आज उन शहीदों के लिए, सैनिकों और अंगहीनों परिवारों की सहायता के लिए, बहुत सारे लोग दीन दुखी मदद में, उनकी मदद में पैसा जमा करवा रहे हैं जी, और ये टोटली बैंक में जाता है सत्संग जी, यहाँ कोई खा नहीं सकता। मस्ताना जी के वचन है, सच्चे सौदे की माया लोहे के चने हैं, ना उल्टी आए ना टॉयलेट के रास्ते निकले, अंदर ही अंदर घूमते हैं, और जितने घूमते हैं जख्मी जख्म करते रहते हैं। हम तो खुद यहाँ के नौकर बन के रहते हैं, अपने कपड़े भी अपनी कमाई से पहनते हैं, माई के लाल के, किसी के मजाल नहीं कि एक पैसा किसी से मांग के लेते हो, ये कपड़े भी, और इनको भी बांट देते हैं बाद में, साध संगत को खुशी आ जाए अगर हमारा कपड़ा लेने से, और हमें क्या चाहिए, साध संगत को देते रहते हैं, और जो दृढ़ विश्वासी हैं उनके घर भी माला माल होते रहते हैं। ये सतगुरु करता है, हमारे कपड़ों में नहीं, उनके रहमो करम में बरसात होती है, उनका दृढ़ विश्वास लेने वाले का, और देने वाले का तो कहना ही क्या है, वो तो देता ही देता है, बहाना बना देता है वो। कईयों को बड़े मरोड़ लगते हैं, ये दांत क्यों, फलानी बात क्यों, ये कात क्यों, अरे तू क्यों लगा हुआ है सतगुरु के सामने, वो सब देने वाला है, पता नहीं उस किस बहाने से, अगर तूने कोई 10-20 रुपए लगा दिए दीन दुखियों की मदद में, पता नहीं तेरे लाखों की बीमारी को उसने 10-20 में ही काट दिया, ये तो राम जाने। सो भाई कई ऐसे हैं जो पहले किया करते थे, परमार्थ भी करते थे,
बहुत आगे बढ़ा करते थे, लेकिन आजकल शायद मन हावी है, मन मते हो गए हैं। सो हम तो सबके लिए दुआ करते हैं कि मालिक सबको खुशियां बख्शे। हम ये नहीं कहते कि आप दान करो, सवाल पैदा नहीं होता, दिल करे करो, दिल करे ना करो, आपकी मर्जी है। पर जिन्होंने दान किया उनकी लिस्ट बोल रहे हैं जी। शास्त्र राम जी गर्ल्स स्कूल बच्चे स्टाफ 1,00,000 रुपए उन फौजी शहीदों के लिए, या जो अंगहीन हो गए, खड़े होते जाना जिनका नाम बोले। शास्त्र राम जी गर्ल्स कॉलेज के बच्चे व स्टाफ 21,770 रुपए, सभी सतब्रह्मचारी भाई 70,770 रुपए, शास्त्र राम जी दामलंगर घर की चौथी शिफ्ट वाली बहनें 44,867 रुपए, एसडीओ पवन चावला 10,000, अनिल चावला इन सब 11,000 रुपए, खड़े होते जाओ। पंडाल समिति सरसा की बहनें 15,770 रुपए, लॉ ऑफिसर कृष्ण जसपाल पंचकूला 11,770 रुपए, छायावान समिति 7,770, सेवा समिति 7,770, कैबिन समिति 7,770, प्रेमी अमृतलाल इनसे 5,100 रुपए, प्रेमी जोगराज इनसन जेई 11,770, समान समिति की बहने 7,770, यूथ वीरांगनाएं 21,000 रुपए, लंगर खिलाने वाली समिति की बहने 31,000 रुपए, शास्त्र राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग की सभी जिम्मेदार सेवादार बहने 15,770, पंडाल समिति सरसा के भाई 15,770, प्रकाश इनसन बिक्की वह परिवार शास्त्र राम जी नगर 15,770, पुरुषोत्तम लाल टोहाना वह परिवार शास्त्र राम जी नगर 21,000, बहन पुष्पा वह परिवार 7,000 रुपए, भूषण इंसा एम एस जी कम्प्लेक्स 5,770 रुपए। तो आप निगाह मार के देखिए कितने परमार्थी हैं। इधर तो आधा ही आधा पंडाल खड़ा हुआ पड़ा है और इधर भी बहुत साथ संगत है। ये सतगुर है सतगुर, जिसको सतगुर नमाज देता है वो बंदों की बात में नहीं आता। बात करने वाले तो कमी नहीं छोड़ते, क्यों देते हो? पहले तो पर्ची नहीं काटते थे आश्रम में, तो आज कौन सा पर्चियां काटते हैं? बैंक की पर्ची कटती है, ये तो है नहीं कि किसी की जेब में जाता है। आपकी जेब में नहीं जा रहा इसलिए टट्टियां लगी हुई हैं, पहले आपके चला जाता था थोड़ा बहुत, जो ऐसा कहने वाले। सो भाई फिक्र ना करो, अगर आपके आश्रम का गया है तो वो रगड़ा निकाल के निकलेगा। अच्छा है तौबा कर लो, क्योंकि बुरा कर्म बुरा होता है। सो आज जो भी उन फौजियों के लिए, शहीदों के लिए दीन दुखी मध्य में आप पैसा लगा रहे हैं, मालिक से दुआ, मालिक आपके घरों में आपस में प्यार बढ़ाए, मालिक से प्यार बढ़े, घर में खुशियां, सेवा सिमरन सत्संग में मन लगे। और जो भी ब्रह्मचारी सतब्रह्मचारी भाई बहन इसमें खड़े हुए हैं, मालिक से दुआ है, मालिक आपके मन पे काबू करवाए सुमरण के द्वारा, सेवा के द्वारा, और मालिक से ओढ़ निभागे। पता नहीं कितनी खुले, क्योंकि हजारों तक गिनती पहुंच चुकी है आने वाले टाइम में, और कितनी गिनती बढ़ेगी ये राम जाने। सो वो कुलों का उद्धार हो, ये मालिक से दुआ करते हैं, और सारे सेवादारों की मालिक से ओढ़ने पे, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं, और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद सेवादार प्रसाद ले लेना, वैसे आपको आ ही गया प्रसाद, तो सो बैठ जाइए, आशीर्वाद बैठ जाए भाई, आशीर्वाद। 8 परिवार आए हैं जी सत्संग जी। ये बात बीच में ख्याल में आ गई कि सत्संग पे आना ही चाहिए। सत्संग पे आओगे, कोई ना कोई सवाल उठाओगे, तो कुछ लेके जाओगे, खाली नहीं जाओगे। उठाया करो जो सवाल दिल में उमड़ते हैं, आदमी के सामने ना बोला करो। आदमी ने आपको कुछ कहा है तो बोलो, हमसे पूछ लो जी फला आदमी ने ये बोला, ये बोला, ये बोला, क्योंकि अंदर से उनका हाल बहुत बुरा होता है। जैसे कई आम होते हैं, कई सेब होते हैं, राजस्थान में काचर ककड़ी होती है, जिन्हों ककड़ियां इत्यादि पंजाबी च किया जाता है, खूबसूरत दिखती हैं, बड़ी सुंदर, लेकिन कई बार जानकार, क्योंकि हम तो बचपन से खेती बाड़ी में लगे थे, तो देख के बता देते थे हमारे बुजुर्गवार, हम भी वही पीढ़ी में सतगुरु ने रहमत की, कि कौन सा जो पौधा है खराब है, कौन सा फल ये सही है, से सही नहीं। कई बार वहां काम करने वाले सज्जन होते, 5-6-7 में काम करते, वो नौकर तनख्वाह पे जो लोग आज कह देते, तो वो कह देते नहीं जी ये तो चमक रहा है। मैंने कहा हाथ लगा, जैसे अंगूठा लगाते सारा अंगूठा धस जाता, अंदर से गड़े होते हैं, बाहर से चमक रहे होते हैं। समझदार को इशारा काफी, इशारे की जरूरत ही नहीं है कि ज्यादा बड़ बोले, अंदर से गड़े होते हैं, बच के रहा करो, हमारा कहने का सीधा सीधा मतलब है। सो भाई ये जरूर ख्याल रखा करो। सो आज परिवार आए हैं जिनके परिवार में चोला छोड़ गया कोई ना कोई, खड़े हो जाओ। 8 परिवार, नाम सभी ने लिया था, एक का शरीर दान हुआ है, शरीर दान महादान, बहुत बड़ी बात। 2 की आंखें दान हुई है मरणोपरांत, आंखें दान महादान, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद। 6 परिवारों ने दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, उस आत्मा का भी भला होता है और परिवारों में भी मालिक खुशियां बख्शता है, आशीर्वाद। और 6 परिवार अस्थियां भी लेके आए हैं,
परिवार दोनों तरफ है, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं जी। तो बेटा जिसने नाम ले रखा है, नाम लिया हुआ था, वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जी होते निजधाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद लेने के बाद बैठना है, जो जख्म देता है मरम जरूर देगा, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाइए आशीर्वाद। तो प्यारी सत्संग जी हो, बहुत बड़ी तादाद में आज आप आए हैं, और क्योंकि सत्संग के दिन है ये शुक्र शनि रविवार, आज बहुत तादाद में सत्संगत है, शेड भरता जा रहा है, शेड बड़ा बना रहे हैं। अब जिम्मेवारों ने हमें अभी तक तो बताया नहीं कि कितना बन गया है, क्योंकि उनको जब पूछो तभी बताते, आगे पीछे अपने आप नहीं बताते कि शेड कितना बन चुका है और कब तक बनेगा। तो आप बता दीजिए बाद में, जो भी कब तक ये बनेगा मुकम्मल होगा। तो शेड बन रहा है, और सेवादार जो शेड की सेवा कर सकते हैं वो शेड की सेवा करें। कितना बना है, कितना रह रहा है? हाँ निकाल तो लोगे, पहले निकाला, पहले भी तो बता दिया करो कभी अपने आप जी। तो कोई बात नहीं बेटा, बता देना बाद में। तो सात संगत जो भी पधारी है बहुत बहुत स्वागत जी, आयनो शाम दिन कहते मोस्ट वेलकम। अब थोड़ा सा समय सज रहिएगा, और सात संगत में अगर कोई प्रसाद पहन शादी कपड़े बच्चे कपड़े गाड़ी की चाबी मकान की चाबी छोटा बच्चा लेके आए तो बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी सात संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं आशीर्वाद, और बच्चा नेक अच्छा इंसान बने आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे आशीर्वाद। थोड़ा समय बैठे रहिएगा। नशा छोड़ने को आया है, चर सेरोन समय भांग दूरा अफीम शराब, और रोज के 30-30 तोड़े अफीम खाने वाले, 7 दिन में नशा छोड़ के पता नहीं कितने शराब से नहाने वाले, और चर सेरोन समय 15-15 ग्राम लेने वाले राम नाम के द्वारा यहां नशा छोड़ जाते हैं। सो 7 दिन यहां रुको, रहना फ्री खाना फ्री, जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल से दवा दिलाते हैं। और जब जाओगे ख्याल ये रखना है, नशेड़ियों का संग ना करना, अपने यार दोस्तों के पास मत बैठना, 7 दिन में नशा छूट जाता है। सो अब थोड़ा सा समय सज रहिएगा, बैठे रहिएगा, और जिम्मेवार भी आप जरूर गाइड किया करें सात संगत को, जो भी बातें कहनी होती हैं कहा करें, जो आपको लगता है कि सात संगत को बोलना चाहिए, समय समय की बात होती है बोलते रहा करो। और सात संगत जी हमने कहा कि सुबह की मजलिस के बाद आप आश्रम में सेवा किया करें सारी सात संगत। आप कहते हैं कि पिताजी बहुत चिट्ठियां आती हैं कि 15 अगस्त है, आगे सितंबर आ रहा है गुरुगद्दी का उसमें हुआ था, फिर नवंबर आ रहा है मस्ताना जी महाराज का वो भंडारा है, पूरा जन्म माह है, फिर दिसंबर आ रहा है तो सेवा का महीना है, फिर जनवरी परम पिताजी का जन्म महीना है। तो ये इतने महीने सात संगत कहती रहती है पिताजी आपको कोई तोहफा दे दें, कोई कार्ड लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है, ठीक है, हम आपसे जो तोहफा चाहते हैं वो यही है कि आप मजलिस के बाद सेवा करो, पेड़ पौधों में जीव जंतुओं की जो सेवा आप यहां पे आश्रम में करेंगे पता नहीं कितने गुना बढ़ के वो सेवा मालिक मंजूर करेगा, क्योंकि यहां का एक पत्ता भी अगर कहीं लगेगा तो वो दीन दुखियों के मदद के लिए लगेगा, वैसे नहीं जाएगा। कैसे पत्ता कैसे लगेगा मदद में? कई खरड़ ज्ञानी बैठे होते हैं, उनका खरड़ ज्ञान हम सीधा ज्ञान करना चाहते हैं। पत्ता जब पौधों से पत्ते झड़ जाते हैं आश्रम में, किसानों को समझाया तो है, किसान पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, वो पत्ते झड़ जाते हैं उनको इकट्ठा करते हैं। बोला है हमने सत्ब्रह्मचारियों को जुम्मेवारों को कि पत्ता भी पास आश्रम का पत्ता भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, उसको इकट्ठा करो और गड्ढे में डाल दो, कुछ तरीका बताया है, वो खाद बन जाएगा और वो पौधों के अंदर डलेगा, पौधे फल फूल दुगना देंगे और वो साध संगत के काम आएगा। इसलिए यहां का पत्ता और तिनका भी कभी खाली नहीं जाता। सो आप सुबह की मजलिस के बाद लग जाया करें, या फिर सुबह से लग जाया करें जो सेवा कर सकते, नहीं तो सुबह की मजलिस जितनी कर पाओ ये इन महीनों में, और शाम की मजलिस तक ये सेवा जो कर सकते, जिनकी ड्यूटियां नहीं है पक्की उनके अलावा उनको ये सेवा, जिनकी पक्की ड्यूटियां उनकी वो सेवा मंजूर, पर गप शप ना मारा करो बैठ के सिर जोड़ के कि हाँ सेवा से खाली सुनाओ फलान्या सुनाते हो क्या ये की पे। सो ये खुंड चर्चा ना किया करो, जितना हो सके सेवा किया करो, दीन दुखियों की मदद में लगाओ, सुमन कर लिया करो अगर खाली हो, सेवा के बाद इधर उधर पैंतरे से ना निकालते फिरा करो, जो आवारा पशु होते हैं ना वो पैंतरे से निकालते फिरते हैं जब खाली हो जाते हैं, जो सतगुरु के नाम का पटा होता है ना वो आवारा नहीं हुआ करते, वो तो सेवा, सेवा एक मुकम्मल होगी तो दूसरी से चहलकदमी बीच में आ जाती है, वहां काफी जगह होती है, राम नाम जपते रहो सेवा करते रहो, चहलकदमी की चहलकदमी पुण्य और फलियां दोनों की दोनों, दोनों से माला माल।
सो आपसे हाथ जोड़ के हमारी देख एक आपको तरीका बताया है, मानना ना मानना आपकी मर्जी, जिनसे सेवा नहीं होती यहां बैठ के सुमण कर लिया करो, सुमण का फल भी मालिक कई गुणा बढ़ के दे देता है, पर करने वाला कोई बने। बातें ना किया करो, चुगली निंदा सत्संग में आके कभी ना किया करो, वरना कर्म मर जाते हैं। सब थोड़ा सा समय सजे रहिए, बैठे रहिए, फिर जैसा जाने का ख्याल समय अनुसार जाइएगा, और रहने का जैसे सेवा दर बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है, बस थोड़ा समय बैठे रहिएगा। धनंद सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। जो भी बहन या भाई लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया, और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, भाइयों ने भाई वाली साइड में आगे आकर और बहनों ने बहन वाली साइड में आगे आकर प्रसाद ले लेना है जी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। सारी संगत को सूचित किया जाता है कि शहर से लेकर आगे नेजिया गांव तक आपने किसी ने भी जमीन या प्लाट वगैरह नहीं खरीदना। अगर आपको प्लाट या फ्लैट की जरूरत है, कमरा नंबर 50 में अपना नाम लिखवाएं। इस प्रार्थना को सारी संगत ने मानना है और सभी ने गुरमुख बनना है। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। 17-19 होने कह रहे हो, और कल जो पूजन गुरु जी ने सेवा के बारे में आपको वचन फरमाए, तो सेवा 17 नंबर मोटर पर और 19 नंबर मोटर पर सेवा चल रही है। तो सुबह सारी संगत ने 17 नंबर मोटर पर और 19 नंबर मोटर पर सेवा करने के लिए जाना है। आप सुबह ही जल्दी सेवा पर जा सकते हैं, या फिर मजलिस के बाद तो सेवा पर जरूर सभी जाया करें जी। और पक्की समितियों के जो जिम्मेवार हैं भाई और बहन, पक्की समितियों के सभी जिम्मेवार भाई और बहनों की जो जरूरी मीटिंग है वो सुबह 7 बजे जो पहले वाला एडम ब्लॉक था वहां पर होगी जी। और पक्की समितियों के जितने भी सेवादार हैं और शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सभी सेवादार भाई और बहनों की जो मीटिंग है सभी सेवादारों की, वो कल सुबह की मजलिस के बाद यहां शेड के नीचे ही होगी जी। और जिन सेवादारों के पास अपना लैपटॉप है और वो सेवा करना चाहते हैं, वो गाइडेंस ब्लॉक के कमरा नंबर 6 में मिले। और कल सुबह की मजलिस के बाद भारत के सभी ब्लॉकों की सच्ची शिक्षा प्रचार प्रसार समिति के सेवादारों व सच्ची शिक्षा पत्रिका से संबंधित कार्यकर्ताओं की जरूरी मीटिंग है, और इस बारे में जो संबंधित लोग हैं वो मीटिंग में जरूर पहुंचे जी। और जैसे 25 मेंबर भाइयों के बाद 15 मेंबर 7 मेंबर ब्लॉक के भंगीदास भाई मानते हैं, वैसे ही 25 मेंबर बहनों की बात भी सुजान बहनों ने माननी चाहिए जी। जैसे 25 मेंबर भाई हैं, इसी प्रकार बहनों के भी 25 मेंबर कमेटी है, जो बहनें ही हैं इस 25 मेंबर कमेटी में। तो बहनों से प्रार्थना है, जो सुजान बहनें हैं या और जो भी बहनें जो 25 मेंबर बहनें हैं, आप उनकी बात भी माना करें। और सुजान बहनों ने जो अपनी हाजिरी है सत्संग के दौरान जो आप हाजिरी देते हैं, वो 25 मेंबर बहनों के पास हाजिरी लगवाया करें। ये सभी बहनें ध्यान रखें, ब्लॉकों की जो भी बहनें हैं सहयोगी सुजान बहनें या जिला सत्र की बहनें हैं जो भी सुजान बहनें, तो उन्होंने अपनी जो हाजिरी है वो 25 मेंबर बहनों को ही दिया करें, और 25 मेंबर बहनों का कहना माना करें जी। ये सभी जिम्मेवार बहनों से प्रार्थना है। और कल ब्लड डोनेशन कैंप और जनकल्याण परमार्थी शिविर दोनों लगाए जा रहे हैं। जनकल्याण परमार्थी शिविर में शुगर रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ और कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। और भारतीय सेना के लिए भी खूनदान कैंप लगाया जा रहा है, जो इस कैंप में खूनदान करना चाहते हैं वो अपनी पर्ची आज ही बनवा लें जी। और आश्रम में काफी जगह पर सेवा चली हुई है, सारी रात सेवा चलती रहती है। अपने अपने प्रांत के 25 मेंबरों से मिलकर आप सेवा कर सकते हैं। सुबह की मजलिस का समय 7:30 बजे का है, और अब पूजनीय गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहनों ने बहनों वाले पंडाल में ही रहना है, भाइयों वाली साइड में किसी भी बहन ने नहीं आना, इस बात का पूरा ध्यान रखें। नहीं